मैं आपको पुकार रही हूँ। नहीं बाबू माँ, मैं नहीं जा सकता। अगर आप नहीं जा सकते तो मुझे देवी के दर्शन मैं जाती हूँ। नहीं बाबू माँ, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे बड़ी आराम ने आपकी सहायता करने के लिए कहा है। मुझे दे दीजिए तो मैं जा जाऊँ। मुझे दर्शन दे दीजिए तो मैं जाती हूँ। नहीं मैं जाता हूँ, परंतु आप इस देखा से निकलना मत। इस प्रकार रावण छल से सीता का हरण कर लेता है और पुष्पक विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से होते हुए लंका की ओर जाने लगता है। सीता की आवाज सुनकर जटायु रक्षा के लिए रावण से युद्ध करता है। जटायु श्री राम को सारा वृतांत सुनाते हैं कि किस तरह रावण सीता को हरण करके ले गया है। वहीं जटायु की मृत्यु हो जाती है। श्री राम और लक्ष्मण जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। जटायु रक्षा के लिए रावण से युद्ध करता है, लेकिन रावण अपने शत्रुओं से जटायु को घायल कर देते हैं और जटायु घायल अवस्था में जमीन पर गिर जाता है। उधर श्री राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जटायु के पास आते हैं। दक्षिण की ओर ले गया। मुझे क्षमा करना प्रभु, मैं उनको नहीं बचा पाया। लक्ष्मण अब हमें इनका अंतिम संस्कार करना होगा पूरी विधि विधान से।